बच्चों, कैटेकिज्म के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम हमारे छठे पाठ का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इस क्लास की शुरुआत आइए हम एक प्रार्थना गीत से करें। जिसका नाम है वे लोग जिन्होंने वचन के अनुसार जीवन बिताया, इस पाठ के दूसरे भाग को हम शुरू करें। लेकिन इसके पहले हम रिवाइज करें कि पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा। सो पार्ट वन में हमने इस चैप्टर के अंदर वे लोग जिन्होंने वचन के अनुसार जीवन बिताया इनके बारे में पढ़ा। इनमें कई लोग, कई संतों के उदाहरण के अनुसार हमने जाना कि कैसे वचन उनको अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देता है और कैसे इन संत लोगों ने अपने जीवन द्वारा प्रभु ईसा मसीह का साक्षी देते हुए लोगों में सुसमाचार फैलाया। आइए आज हम इस क्लास में पुरोहित जीवन, समर्पित जीवन और लोकोपकारी कार्य करने वाले लोगों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पुरोहित या याचक संस्कारों के अनुष्ठान, ईश्वर के वचन की शिक्षा और मेषपाली शिष्याओं द्वारा कलीसिया के संतानों को पवित्रता के मार्ग पर ले जाने के लिए नियुक्त है धर्माध्यक्ष या पुरोहित। द्वितीय वैतिकन महासभा पुरोहितों के बारे में यह सिखाती है। पुरोहितों को चाहिए कि वे हर दिन ईश्वर के वचन को पढ़ें, उसके ऊपर ध्यान और चिंतन करें और इस वचन को दूसरों में बांटे। पुरोहितों का बुलावा परमेश्वर के वचन को सुनकर और उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए है। सेंट पॉलस ने कलीसिया के संगठन के बाद तिमोथी को उसके ऊपर धर्माध्यक्ष नियुक्त किया और उसके बाद में वे उन्हें इस तरह उपदेश देते हैं। धर्म ग्रंथ का पाठ करने, उसके अनुसार जीवन बिताने, शिक्षा देने और प्रवचन देने में लगे रहो। यह वचन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के वचन को अपनाना, उसके अनुसार जीवन बिताना और उसकी घोषणा करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है हर एक पुरोहित की। पुरोहित की जिम्मेदारी का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है संत जॉन मरिया वियानी। संत जॉन मरिया वियानी ये आर्स के पैरिश प्रीस्ट थे और उन्होंने वहां के जो पैरिशनर्स हैं, जो अंधकार में डूबे हैं, उनको उनके प्रार्थनाओं द्वारा, संस्कारों द्वारा, विशेषकर मेल मिलाप के संस्कार यानी पाप स्वीकार द्वारा, वचन की घोषणा द्वारा और सबसे ऊपर अपने जीवन के आदर्श द्वारा लोगों को पश्चाताप की ओर मोड़ा। इस तरह पुरोहिताही या याजक बनना यह एक बड़ा बुलावा है जिसे हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं, उसकी घोषणा करते हैं और उसके साथ अनुसार जीवन बिताते हैं। समर्पित लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ब्रह्मचर्य, आज्ञाकारिता और निर्धनता इन सुसमाचारी सद्गुणों का विशेष रूप से पालन करने वाले और उसका व्रत लेने वाले लोग हैं समर्पित लोग। समर्पित जीवन का सबसे बुनियादी नियम है सुसमाचार के ईसा का अनुकरण करना। संत जॉन पॉल सेकंड उनके प्रेरितिक प्रबोधन समर्पित जीवन में समर्पित जीवन के बारे में इस प्रकार कहते हैं। एक समर्पित व्यक्ति को उनके जीवन द्वारा सुसमाचार के उस ईसा मसीह का साक्षी बनना है जो ब्रह्मचारी, दरिद्र और मृत्यु तक आज्ञाकारी थे।
समर्पित लो अपने प्रेम के प्राथमिकता द्वारा, अपने जीवन में प्रेम के प्राथमिकता द्वारा लोगों को प्यार करने और लोगों के सामने प्रेम की प्रेरणा बनते हैं, और अपने जीवन द्वारा, अपने प्रेम द्वारा प्रेम के, ईश्वरीय प्रेम के साक्षी बनते हैं। समर्पित लोग आज हर जगह कार्यरत हैं, विशेषकर जिस जगह, जिस प्रदेशों में अभी तक ईसा मसीह का सुसमाचार नहीं फैला है, जो लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं, वहां समर्पित लोग जाकर उनके बीच में रहकर ईश्वर की घोषणा करते हैं, उनके सुसमाचार को फैलाते हैं और वचन की घोषणा करते हैं। अनेक समर्पितों को ईश्वर के वचन की घोषणा करने के समय शहादत को भी अपनाना पड़ा है और अपने जान की गवाही भी देनी पड़ी है। स्वयं के बुलावे के अनुसार वे प्रेम की परिपूर्णता तक पहुंचने के लिए कलीसिया की पवित्रता के साक्षी बनते हैं और दूसरों के सामने वे पवित्रता के साक्षी बनते हैं। इस तरह समर्पित लोग अपने खुद के घर, देश, सुख सुविधाएं, सब कुछ को त्याग कर उन मिशन प्रांतों में कार्यरत हैं, जहां प्रभु ईसा मसीह का नाम नहीं सुना गया हो, जहां कोई भी ईश्वर को नहीं जानता हो। समग्र क्रांतिकारी ईसा मसीह को प्रघोषित करते हुए लोगों में जागरूकता और अक्षिशिक लोगों को शिक्षा देने के लिए बहुत से समर्पित लोगों ने अपने जीवन को भी कुर्बान कर दिया है और अपने जान की गवाही देकर वे रक्त साक्षी बन गए हैं। प्रेरित लोक धर्मी न्यास नाम द्वारा हमें जो ईसा मसीह में एकता प्राप्त हुई है, उसी के द्वारा हमें प्रेरित कार्य करने का फर्ज और अधिकार भी दिए गए हैं। हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन द्वारा हर एक कार्य में आत्मबलि चढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं। हम विश्वास की आंखों द्वारा जब पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं, तब हमें हर जगह और हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में ईश्वर को देखने की शक्ति और कृपा मिलती है। मदर टेरेसा को जब किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप इन कुष्ठ रोगियों को और इन गंदे लोगों को कैसे हाथ लगाते हैं, अगर लोग मुझे हजारों रुपए दे तो भी मैं सेवा नहीं करूंगा, तब मदर टेरेसा ने कहा कि मुझे उनकी सेवा करते समय, इन लोगों की सेवा करते समय हर एक व्यक्ति में प्रभु यीशु की छवि नजर आती है, इसीलिए उन लोगों में मैं प्रभु यीशु की सेवा करती हूँ। हम में से हर एक जन भी अपने रोज के जीवन में यही करने के लिए बुलाया गया है। हम हमारे दैनिक जीवन में हमारे कार्यों द्वारा, हम जो कुछ भी करते हैं, कुछ जो कुछ हमारे साथ होता है और जिस किसी से हम मिलते हैं, उन सब में प्रभु ईश्वर को देखने की कृपा हमें तभी मिलेगी जब हम विश्वास की आंखों द्वारा उनके वचनों पर मनन चिंतन करते हैं। अपने सेवा कार्य और अपनी सेवा शुश्रूषाओं द्वारा अनेक आम आदमी, आम लोग अपने जीवन में प्रेम के प्रेरणा स्रोत बने हैं और उन्होंने अपने जीवन द्वारा पवित्रता के मार्ग को अपनाया है। प्रेरित उत्साह के जरिए हम हमारी सांसारिक परिस्थितियों में हमारे सभी अनुभवों को पवित्र करने के लिए बाध्य हैं। हमारे लिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे संतगण, जो अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी एक अच्छा आदर्श जीवन जीते हुए संत बन गए हैं। प्रेरितिक उत्साह द्वारा अपने जीवन के, अपने सांसारिक जीवन के सभी परिस्थितियों को और अनुभवों को पवित्र बनाने के लिए हम बाध्य हैं। हमारे लिए इसका उदाहरण है संत मोनिका, जो संत अगस्टिन की माता थी, जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं द्वारा अपने बेटे को मन परिवर्तन में लाया। उसी तरह हम देखते हैं मम्मा मार्गरेट, जो संत डॉन बॉस्को की माता थी, और संत लिटिल फ्लावर के माता पिता, जो हाल ही में संत प्रघोषित किए गए सेली और मार्टिन लुइस मार्टिन, ये भी हमारे लिए एक अच्छे पारिवारिक जीवन बिताने का और पवित्रता में बढ़ने का उदाहरण है। साथ ही हम देखते हैं संत जाना मोला,
जो अपने गर्भ में बढ़ रहे शिशु के लिए अपने प्राण की गवाही देने के लिए तैयार थी। और इस तरह वे एक अच्छी माँ का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनी। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पारिवारिक जीवन में भी हमारे अच्छे कार्यों द्वारा और हमारे प्यार और परोपकार द्वारा हम एक संत का जीवन बिता सकते हैं और प्रभु यीशु के साक्षी बन सकते हैं। लोकोपकारी कार्य करने वाले लोग। प्रेम ही ईश्वर के वचन का सारांश है। परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने इस प्यार के खातिर अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। जो लोग ईश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, उस पर ऊपर मनन कर चिंतन करना चाहते हैं और उसके अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, वे लोग सहज ही दूसरे लोगों की सेवा में दूसरे लोगों से प्यार करने उस प्यार के खातिर उनकी सेवा करने में लग जाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन का और हमारे प्रेम का मापदंड अपने परोपकारी कार्य है। इस लोकोपकारी कार्य करने वाले लोग। ईश्वर के वचन का सारांश प्रेम है। परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमारे खातिर अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। जो लोग ईश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं और उसके अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, वे लोग सहज ही इस परोपकारी कार्य में लग जाएंगे। क्या है ये लोकोपकारी कार्य करना या प्रेम परोपकार करना? परमेश्वर के प्रेम के खातिर हम जो कुछ भी दूसरों के लिए करते हैं, वे लोकोपकारी कार्य या परोपकार के रूप में माना जाता है। संत मत्तै का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 21 से हम देखते हैं, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया। यह वचन हमें याद दिलाता है कि न्याय विधि के दिन परमेश्वर हमारे प्रतिष्ठा, हमारे धन दौलत और हमारी जो भी कामयाबी है, इसके ऊपर हमें स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं, बल्कि हमने हमारे जीवन में दूसरों के लिए कितने परोपकार किए हैं, दूसरों के लिए कितनी सेवा किए हैं, इन्हें देखकर हमें स्वर्ग राज में प्रवेश देंगे। परमेश्वर के प्रेम के खातिर कलीसिया में जो भी कार्य हो रहे हैं, वे इस परोपकार का, लोकोपकारी कार्य का प्रमाण है। लोगों की, विधवाओं की सेवा और अनाथ लोगों की सेवा, उसी तरह जो मतिमंद लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनकी सेवा जो हमारे कलीसिया में होती है, ये सब इस प्रकार परोपकार और लोकोपकारी कार्य का प्रमाण है जो कलीसिया हमें सजीव बनाता है और हमें स्वर्ग राज की ओर ले चलता है। और आपके होमवर्क के लिए आप इस पाठ को पढ़ें, संत मत्तै का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 से लेकर, जहां पर हम देखते हैं परमेश्वर हमारे सामने स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए चुनौतियां रखते हैं। आइए बच्चों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें पवित्रता के मार्ग में चलने के लिए सहायता करें। हम हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, आपने अनेक लोगों को संत बनने का वरदान दिया है। उनके जीवन में पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें शक्ति दी है। हमें यह कृपा दीजिए कि हम भी उनके पथ चिन्हों पर चलकर उनके तरह हमारे जीवन की परिस्थितियों में आपके वचन को सुनते हुए पवित्रता के मार्ग पर चले और आपके वचन के साक्षी बन जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।